कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से ठीक होंगे, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ राइस लवर के लिए एक न्यू डिफरेंट बट बेहद टेस्टी रेसिपी, यानी छुहारे चना राइस। बेहद मजे के बनते हैं। तो छुहारे चना राइस बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा पाव छुहारे, इनको रात को ही भिगो के नीम गर्म पानी में रख दिया था, सुबह मैंने बॉयल कर लिया। आधा पाव चने लिए, इनको भी रात को भिगो के रख दिया था, सुबह बॉयल कर लिए। ये मैंने लिया है चिकन। चिकन आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐड करना चाहे आपकी मर्जी, ना डालना चाहे इट डजेंट मैटर। और ये है 600 ग्राम चावल, इनको मैं आधा घंटे के लिए भिगोऊंगी, अभी मैंने भिगो के रख दिए हैं। और ये किशमिश लूंगी, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, धनिया और हरी मिर्चें, 2 बड़े साइज के टमाटर, 1 बड़े साइज का प्याज, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, 1.5 टेबल स्पून मैंने ली है सुर्ख मिर्च और कुटी हुई मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साबुत गरम मसाला और साबुत धनिया। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे छुहारे चना राइस बनाने के। चलें बनाते हैं छुहारे चना राइस। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम चिकन को प्रोसेस में लाएंगे, हम प्याज डाल देंगे, फिर इनको लाइट ब्राउन शेप में लाएंगे। हम चिकन ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2-3 मिनट मजीद इसकी भुनाई करते हैं। ये टमाटर ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट कवर करके खड़ा कर देंगे, तब तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फ्लेम पर खड़ा करने से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, मिक्स हो गए, और साथ ही चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने राइस लिए थे 600 ग्राम और वो बने हैं मेरे हिसाब से 2 गिलास, तो मैं ऐड करूंगी, क्योंकि चावल मैंने अच्छे से भिगोए हुए हैं, 3 गिलास पानी ऐड करूंगी। इंशाल्लाह हमारे अच्छे से बन जाएंगे। और साथ ही ये चना और छुहारे भी ऐड कर देंगे और जोश आने पे हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। इसमें राइस ऐड कर देंगे, खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे। पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम पे लगा देंगे और धनिया भी ऐड कर देंगे और साथ ही ये किशमिश। अब हम इनको दम पे 10-15 मिनट खड़ा कर देंगे, फिर आपको पेश करेंगे। 10-15 मिनट के लिए इनको दम कर देना है। इंशाल्लाह हमारे छुहारे वाले चावल रेडी हो गए हैं, बड़े सॉफ्ट बने हैं।
चले अब हम आपको पेश करते हैं। ये देखिए बड़ी प्यारी खुशबू है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुश हो जाएंगे इसके टेस्ट से। ये देखें माशाल्लाह हमारे छुआरे चना राइस बेहद टेस्टी रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।